Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Tempest written by William Shakespeare, Act 2, Scene 1. Students, please watch my previous videos. The link is provided in the description. Aap please check kar lijiye. Scene 1. Enter Alonso, Sebastian, Antonio, Gonzalo, Adrian and Francisco. यहाँ पे सीन में ये सारे मौजूद हैं. यहाँ पे आपको जैसे पता है कि आइलैंड में आ गए हैं ये लोग. अब इनकी जो कॉन्वर्सेशन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी. गोंजालो किससे कह रहे हैं? अलोंजो से. बिसीच यू सर बी मैरी, यू हैव कॉज सो हैव वी ऑल. उनको समझा रहे हैं क्योंकि आपको पता है ना कि अलोंजो के जो बेटे हैं फर्डिनेंड, सबको लगता है कि वो डूब गए हैं जहाज, क्योंकि जब टूटा था. तो यहाँ पे अलोंजो बहुत ही ज़्यादा सैड हैं, तो वो उनको खुशी देने के लिए, सिंपथी मतलब उनको, उनका माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो उनसे बातें कर रहे हैं और उनको उनको समझा रहे हैं कि आप प्लीज़ खुश हो जाइए. अगर आप दुखी होंगे, अगर आपके पास रीज़न है तो हमारे पास भी है. ऑफ जॉय फॉर आवर एस्केप इज मच बियॉन्ड आवर लॉस. वो बता रहे हैं कि हम लोग जो आज बच गए हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ आइलैंड पे सही सलामत यहाँ पहुँच गए हैं, वो बहुत ज़्यादा है जो हमारे लॉस हम लोगों को मिला है, उससे कई ज़्यादा है कि आज हम बच चुके हैं. स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी दिन से ठीक नहीं थी, तो पर फिर भी मुझे लगा कि मैं बहुत दिन से मैंने टेम्पेस्ट नहीं किया है अपलोड, तो मैं आप लोगों के लिए टेम्पेस्ट अपलोड कर दी हूँ. अगर मेरी आवाज़ से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. आवर लॉस आवर हिंट ऑफ वो इज कॉमन, यानी कि वो बता रहे कि हम लोगों का जो रीज़न है ना दुखी होने का वो कॉमन है. एवरी डे सम सेलर्स वाइफ द मास्टर्स ऑफ सम मर्चेंट. वो कह रहे कि हर दिन सेलर्स की जो वाइफ होती है ना, वो हर दिन यही, हर दिन कोई ना कोई सेलर की वाइफ दुखी होती है कि उसके हस्बैंड को कुछ हो गया है. एंड द मर्चेंट हैव जस्ट आवर थीम ऑफ वो. और जो मर्चेंट्स भी होते हैं जिनके बड़े बड़े जहाज़ों से सामान आते हैं, उनका सामान डूब जाता है, तो उनका भी यही कारण होता है दुखी होने का. बट द मिराकल आई मीन आवर प्रेजर्वेशन. पर मिरेकल क्या हुआ कि हम लोग सब बच गए हैं. फ्यू इन मिलियंस कैन स्पीक लाइक अस. जो बर्बादी से जो हम लोगों का जो जहाज़ डूब गया था, वो तो वाकई हम लोगों को समझ में ही नहीं आया था कि हम लोग बचेंगे भी कि नहीं. हम लोगों ने तो दुआ कर लिया था, सब कुछ कर लिया था, पर अब हम लोग जो बच गए हैं ये बहुत ही मिरेकल है हमारे लिए. और बहुत ही कम लोग ही जो है वो सब कुछ सही सलामत है और हम लोग अच्छे से बोल चाल रहे हैं. देन वाइजली गुड सर वे आवर सॉरो विद आवर कम्फर्ट. और हम लोगों की जो तकलीफ़ है ना, वो आप कंफर्ट के साथ अगर आप बैलेंस कीजिएगा तो कंफर्ट आपको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अब हम लोग सेफ हैं यहाँ पे. अलोंजो प्रीति पीस, वो क्योंकि बहुत डिप्रेस्ड है, वो अभी अपनी बेटे के गम में, तो वो किसी की बातों को भी सुनना पसंद नहीं करते. वो कह रहे प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत हो जाओ. तो सेबेस्टियन जो है अंटोनियो के साइड में, वो बोलते हैं कि ही रिसीव्स कम्फर्ट लाइक कोल्ड पॉरेज. वो कह रहे कि उसको तो ऐसे, क्योंकि उनको तो कम्फर्ट अभी चाहिए नहीं. ही इज़ ऑलरेडी वेरी डिप्रेस्ड अपने बेटे के गम से, तो कोई भी चीज़ उनको खुशी नहीं दे रही है. पर यहाँ पे वही बात वो कह रहे हैं कि उसको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ना उसको एक ज़बरदस्ती कुछ दिया जा रहा है, तो उसको तो कम्फर्ट ऐसे ही लग रहा है अभी. अलोंजो को सेबेस्टियन कह रहे हैं. एंटोनियो कहते हैं द विजिटर विल नॉट गिव हिम ओवर सो. तो वो यहाँ पे एंटोनियो क्या कह, एंटोनियो और सेबेस्टियन बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर्स. यहाँ पे हम लोगों को पता चल गया है कि दोनों बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, कि जितना चाहते हैं कि अलोंजो को तकलीफ़ हो, परेशानी हो, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है. तो यहाँ पे वो वही बात कर रहे कि विजिटर, यानी कि वो यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं गोंजालो को, कि विजिटर्स जो है ना उसको ही वही इस चीज़ से बाहर आने के लिए नहीं दे रहे हैं. सेबेस्टियन लुक ही इज़ वाइंडिंग अप द वॉच ऑफ हिज विच. वाइंडिंग, स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, वाइंडिंग मीन्स अ ट्विस्टिंग मूवमेंट. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि देखो ये कैसे अपने अपने ना अपनी बातों से और अपने बिहेवियर से अपना अपनी तरफ कर रहा है. बाय एंड बाय इट विल स्ट्राइक, मतलब ये कहीं ना कहीं ये जाके ज़रूर लगेगा. गोंजालो सर, गोंजालो बोलते हैं उसको. सेबेस्टियन वन टेल, कितना हुआ? तो वो बोलता है वन टेल, वन एक बजे. गोंजालो व्हेन एवरी ग्रीफ इज एंटरटेन दैट्स ऑफर्ड कम्स टू द एंटरटेनर. गोंजालो यहाँ पे अलोंजो के लिए कह रहे हैं कि जब कोई इंसान हर वक्त हर चीज़ से दुखी होता है ना,
तो उसे वो हर चीज में ही दुख नजर आती है। सेबेस्टियन कहते हैं अ डॉलर, हाँ तुमने एकदम एक डॉलर की बात कही है सेबेस्टियन, मतलब यहाँ पर ही लोग एक तरह का मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि जो है गोंजालो जो है अलोंजो को शांत कर रहे हैं या उनको कंफर्ट दे रहे हैं, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रही है ये बात सेबेस्टियन और एंटोनियो को। गोंजालो डॉलर कम्स टू हिम इंडीड, यू हैव स्पोकन ट्रूअर देन यू प्रपोज, हाँ ठीक है सही बात तो कह रहे हो तुम कि मैंने बहुत अच्छी बात कही है। सेबेस्टियन यू हैव टेकन इट वाइजलियर देन आई मेंट यू शुड, तुम तो उसको कुछ ज़्यादा ही मतलब अपना दिमाग दिखा रहे हो, जितना मुझे पता भी नहीं था कि तुम्हारे पास इतना दिमाग है। गोंजालो देयरफॉर माय लॉर्ड, तो फिर लॉर्ड एंटोनियो फाइ व्हाट अ स्पेंडथ्रिफ्ट इज ही ऑफ हिज टंग। स्पेंडथ्रिफ्ट कहते हैं उन लोगों को जो ज़्यादा खर्च करते हैं, तो यहाँ पे ये अपनी जो जबान को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है ना इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हो। अलोंजो टू गोंजालो आई प्रिदी स्पेयर, तुम प्लीज चुप हो जाओ। गोंजालो वेल आई हैव डन बट येट, मैं चुप हो जाऊँगा पर प्लीज़ सुनिए मेरी बात। सेबेस्टियन ही विल बी टॉकिंग, वो सेबेस्टियन वो तो मुझे पता था वो बोलेगा। एंटोनियो विच ऑफ ही ऑफ एड्रियन फॉर अ गुड वेजर फर्स्ट बिगिंस टू क्रो, वो बोलते हैं जब देखते हैं कौन पहले बोलता है। सेबेस्टियन बोलता है द ओल्ड कॉक, गोंजालो को बोलता है द ओल्ड कॉक, और एंटोनियो को बोलता है तो एंटोनियो बोलता है नहीं द कॉकरल, कॉकरल यानी कि एड्रियन को बोलता है। सेबेस्टियन बोलता है डन द वेगर, तो बोलता है डन ठीक है देखते हैं। एंटोनियो सेबेस्टियन बोलता है हंसने लगता है, ऑफ कौन बोलता है सबसे पहले एड्रियन बोलता है यानी कि द यंग कॉक। दो हिज आइलैंड सीम्स टू बी अ डेजर्ट, यहाँ कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स प्लीज नोट डेजर्ट हियर मींस अन इनहैबिटेबल, यानी कि वो डेजर्ट नहीं है यानी ऐसा जगह जहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। तो देखो वैसे ही बोलता है सेबेस्टियन येट, वैसे वो देखा ना एड्रियन येस हाँ ठीक है। एंटोनियो सॉरी एंटोनियो हा हा हा, क्योंकि एंटोनियो ने कहा था द कॉकरेल बोलेगा तो हंसने लगता है। सेबेस्टियन सो यू आर पेड, तो तुम इतना ज़्यादा हंस लिए हो ना तुम अपने अपना हंसी से ही अपना तुमको पेमेंट हो गया। एड्रियन तब बोलता है कि अन इनहैबिटेबल एंड ऑलमोस्ट इनएक्सेसिबल, क्योंकि या स्टूडेंट्स प्लीज नोट इनएक्सेसिबल मीन्स अनएबल टू बी रीच, और यहाँ तक हम लोग का कोई पहुँच भी नहीं सकता है, हम लोग ऐसी जगह में हैं। सेबेस्टियन येस, एड्रियन बोलता है येस। एंटोनियो ही कुड नॉट मिस इट, एंटोनियो बोलता है वो मिस नहीं करना करना चाहता उसको बोलना ही है। तो एड्रियन बोलता है इट मस्ट नीड्स टू बी ऑफ सटल, सटल मीन्स जेंटल टेंडर एंड डेलिकेट टेम्परेंस, स्टूडेंट्स प्लीज नोट टेम्परेंस या मीन्स क्लाइमेट। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम लोगों को बहुत ही सटल और मतलब बहुत ही आराम से इस टेम्परेचर को हर चीज़ को हम लोगों को बहुत ही कामली देखना है। एंटोनियो टेम्परेंस वॉज अ डेलिकेट वेंच, और वो जान मुझ के यहाँ पर एंटोनियो उसकी बात को गलत पेश कर रहा है, वो कह रहा है कि और गलत समझ भी रहा है। यहाँ पे वो टेम्परेंस को कह रहा है क्लाइमेट को, पर वह यहाँ वो समझ रहा है कि वो लोग उसको बर्दाश्त करने के लिए कह रहा है, तो वही बोल रहा है कि नहीं तो बेकार है उसको बोलना भी। सेबेस्टियन ए एन अ सटल एज ही मोस्ट लर्नेडली डेलीवर्ड, उसको कह रहा है कि स्टूडेंट्स प्लीज नोट सटल हियर मींस क्राफ्टी, उन्हें बहुत ज़्यादा ना लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा हर चीज़ों में चलना, वही चीज़ वो कह रहा है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा दिमाग है। ये सब लाइन सिर्फ आप एज अ कॉन्वर्सेशन है तो आप समझ लीजिए इसको, इसमें ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है जो मुझे नहीं लगता आपके एग्जाम्स में आएगा। एड्रियन द एयर ब्रीथ्स अपॉन अस हियर मोस्ट स्वीटली, एड्रियन यहाँ भी पॉजिटिव बात करते हुए कहते हैं कि यहाँ जो एयर है ना यहाँ की वो भी बहुत ब्रीथ यानी कि बहुत ही अच्छी हवा आ रही है यहाँ से एयर से। सेबेस्टियन एज इफ इट हैड लंग्स एंड रॉटन वंस, यहाँ पे सेबेस्टियन फिर नेगेटिव बात कर रहे हैं और उनकी बात को काट रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि यहाँ पे लंग्स हैं, यहाँ के जो आइलैंड्स आइलैंड के पास एक लंग्स है और आइलैंड बहुत ही स्वीट ब्रीथ कर रहा है, तुम तो ऐसा कह रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे। एंटोनियो और एज इट वर परफ्यूम्ड बाय अ फैन, स्टूडेंट्स प्लीज नोट फैन हियर मींस लो लाइंग वेट लैंड विद ग्रासी वेजिटेशन, जिसे दलदल होता ना वैसे यहाँ पे कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि एंटोनियो यहाँ पे कि तुम तो ऐसे हाँ वैसे ही आता है खुशबू जैसे कि दलदल के पास से कैसे एक अजीब सी स्मेल आती है, एक महक आती है, तो ये उस जो है ना जो
एड्रियन यहाँ पे कह रहा है कि बहुत ही अच्छा ब्रीथ कर रहा है यहाँ पे, बहुत स्वीटली, तो ये उस स्वीटली को इससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। गोंजालो, हियर इज एवरीथिंग एडवांटेजियस टू लाइफ, यहाँ सब कुछ हमारे लिए एडवांटेजियस, यानी हम इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। एंटोनियो, ट्रू सेव मीन्स टू लिव, हाँ तुम्हारे नज़र में तो है क्योंकि हम लोग बच गए हैं इसलिए तुम कह रहे हो। सेबेस्टियन, ऑफ दैट देयर्स नन और लिटिल, या तो कुछ नहीं है या तो थोड़ा बहुत है यहाँ पे। गोंजालो, हाउ लश एंड लस्टी द ग्रीन द ग्रास लुक्स, हाउ ग्रीन, यहाँ पे गोंजालो कह रहे कि देखो कितनी अच्छी यहाँ पर ही हमारी जो वेजिटेशन है कितनी अच्छी है, ग्रासेस को देखो कितना ग्रीन है यहाँ पे। एंटोनियो, द ग्राउंड इन डीड इज टोनी, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो ग्राउंड है ना वो एकदम टोनी है, मतलब ब्राउनिश है, तुम्हारी नज़र में तुमको ग्रीन लग रहा है पर ये देखो कितना गंदा है यहाँ का मिट्टी। सेबेस्टियन, विद एन आई ऑफ ग्रीन इन इट, तो वो यहाँ पे कह रहे कि तुम्हारा जो आँख है ना वो सब कुछ ही ऐसा देख रहा है, अच्छा ही देख रहा है, तो तुम्हें इसलिए हर कुछ अच्छा दिख रहा है। एंटोनियो, ही मिसेस नॉट मच, ठीक है उसने ज़्यादा कुछ तो नहीं मिस किया है। सेबेस्टियन, नो ही डॉट बट मिस्टेक द ट्रूथ टोटली, नहीं वो सच्चाई को गलत बोल रहा है यहाँ पे सेबेस्टियन बोल रहा है। गोंजालो, बट द रियलिटी ऑफ इट इज विच इज़ इंडीड ऑलमोस्ट बियॉन्ड क्रेडिट, जो यहाँ पे जो रियलिटी है ना, जो कुछ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे वो तो हमें मानना चाहिए कि बियॉन्ड क्रेडिट है, यानी कि अभी तक ऐसा नहीं है। सेबेस्टियन, एज मैनी वाउच रियलिटीज आ, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि बहुत ही चीज़ यहाँ पे रह रहे हैं, हम लोग तो कुछ नहीं देखे हैं यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे है। गोंजालो, दैट आवर गारमेंट्स बीइंग एज दे वर ड्रेंच्ड इन द सी होल्ड नॉट विद स्टैंडिंग देयर फ्रेशनेस एंड ग्लॉस बीइंग रादर न्यू डाइड दैन स्टेन्ड विद सॉल्ट वाटर, गोंजालो यहाँ पे कह रहे कि तुम्हें नहीं लगता कि हम हमारे जो गारमेंट्स है जब हम लोग नदी में जो हम लोग डूब गए थे और उसके बाद हमारे गारमेंट्स कितने क्लीन हो गए, ऐसा लग रहा है कि मतलब सॉल्टी वाटर होता ना सी में, तो ऐसे सॉल्टी वाटर को ऐसे मतलब हमारे कपड़े को पूरा क्लीन कर दिया, ग्लॉस आ गया, फ्रेशनेस आ गया है जैसे कि हम लोग पहले बार था। यहाँ पे गोंजालो इतना पॉजिटिव सोचते हैं कि यहाँ वो अपने कपड़े पर भी पॉजिटिव ही बात आपको करते हुए नज़र आएंगे कि उनके कपड़े भी ख़राब नहीं हुए हैं। एंटोनियो, इफ बट वन ऑफ हिज पॉकेट्स कुड स्पीक वुड इट नॉट से ही लाइज, कह रहे अगर तुम्हारा एक भी कोई हिस्सा तुम्हारे कपड़े का अगर बोल पाता ना तो ज़रूर बोलता कि तुम झूठ बोल रहे हो। सेबेस्टियन, ए और वेरी फॉल्सली पॉकेट अप हिज रिपोर्ट, पॉकेट अप हिज रिपोर्ट मीन्स सप्रेस हिज रिपोर्ट, यानी कि हाइड, यानी कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं लगता कि वो अपने जो सच्चाई को वो छुपा रहा है। गोंजालो, मी थिंक्स आवर गारमेंट्स आर नाउ एज फ्रेश एज व्हेन वी पुट देम ऑन फर्स्ट इन अफ्रीका, अफ्रीका को यहाँ अफ्रीक कह रहे हैं कि हम लोग हमको तो यही लगता है कि हमारे जो गारमेंट्स हैं वो पूरे फ्रेश हैं, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इसको अफ्रीका में पहना था। एट द मैरिज ऑफ द किंग्स फेयर डॉटर क्लारबेल टू द किंग ऑफ ट्यूनिस, फेयर डॉटर यानी कि खूबसूरत बेटी की जो शादी हुई ना उनकी, उसके बारे में बता रहे हैं कि जब हम लोग शादी में गए थे हमारे कपड़े जैसे साफ और चमकदार थे, वो आज भी वैसे ही है और ज़्यादा हो गया है, उस सॉल्टी वाटर से जब कंपेयर किया गया ना वो उस लाइन में वो कह रहे हैं। सेबेस्टियन, इट वॉज अ स्वीट मैरिज एंड वी प्रॉस्पर वेल इन आवर रिटर्न, हाँ वो बहुत ही अच्छा मैरिज था जो हमारे साथ हमारे रिटर्न में वो तो हमें दिख रहा है। एड्रियन, ट्यूनिस वॉज नेवर ग्रेस्ड बिफोर विद सच अ पैरागॉन टू द क्वीन, स्टूडेंट्स प्लीज नोट पैरागॉन हियर मीन्स मॉडल ऑफ एक्सलेंस, यानी कि वो कह रहे हैं कि ट्यूनिस तो अफ्रीका यानी कि जहाँ ज़्यादा ब्लैक लोग रहते हैं, तो कह रहे कि ट्यूनिस के पास इतनी खूबसूरत बीवी कभी नहीं थी जो यहाँ से गई हैं वो यूरोप से अफ्रीका में, तो सबसे वो खूबसूरत है, ऐसा कोई है ही नहीं उनकी वाइफ ना पूरे अफ्रीका में कभी किसी की वाइफ इतनी खूबसूरत होगी, वो एक मतलब एक एक्सलेंस वो एक मॉडल बनी है खूबसूरती का वो। गोंजालो, नॉट सिंस विडो डीडोस टाइम, अब गोंजालो यहाँ क्या कह रहे हैं, नहीं विडो डीडोस के टाइम के बाद से, तो एंटोनियो विडो अ पॉक्स ऑफ दैट, हाउ केम दैट विडो इन विडो डीडो, अब यहाँ पे बात चल रहा है ना, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं हाँ ये विडो डीडो के बारे में तुम क्या बातें कह रहे हो। आप प्लीज़ ये सब लाइन्स को सिर्फ रीड कीजिए, लाइन्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपके सिलेबस में है तो मैं आपके साथ इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यहाँ आपको ये भी पता चलेगा कि सेबेस्टियन और एंटोनियो कितने नेगेटिव हैं और गोंजालो यहाँ पे हर मुमकिन कोशिश करते हैं अपनी बातों से अलोंजो को खुश करने का।
Sebastian. What if he had said widower Aeneas to good lord? How you take it? तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे कि विडोवर एनीस है, मतलब एनीस से प्यार हुआ था, विडो जो थी डीडो उसके बारे में बता रहा है एड्रियन. विडो डीडो सेड यू मेक मी स्टडी ऑफ दैट. शी वॉज ऑफ कार्थेज नॉट ऑफ ट्यूनिस. अब यहाँ पे एड्रियन क्या कह रहे हैं, आपने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, वो तो कार्थेज की थी, ट्यूनिस की थोड़ी ना थी. गोंजालो दिस ट्यूनिस सर वॉज कार्थेज. अभी आपको जो ट्यूनिस लग रहा है ना, वो पहले कार्थेज था. कार्थेज तो डिस्ट्रॉय हो गया है, अब उसकी पॉलिटिकली सारी पावर ट्यूनिस के पास है, तो वो वही बात कह रहे हैं. आर्यन कार्थेज गोजर आई अश्योर यू कार्थेज, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कार्थेज ही है. एंटोनियो हिज वर्ड इज मोर देन मिराक्युलस हाफ. यहाँ पे ये मिराक्युलस हाफ क्यों कह रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. क्योंकि जो म्यूजिक होती थी ना एम्फियंस हाफ की, यहाँ पे ग्रीक मैथोलॉजी से कंपेयर कर रहे हैं, वो जो वॉल्स ऑफ थीप्स थी ना उस ज़माने में, वो उसकी म्यूजिक में इतनी ताकत थी कि वो वॉल ऑफ थीप्स को भी उठा दिया था. तो यहाँ पे वो बता रहा है कि गोंजालो की बात ऐसी है जैसे कि उसने रीबिल्ड कर दिया सिटी ऑफ कार्थेज को, जबकि है नहीं, पर उसने पूरा सिटी को जो है दोबारा अपनी बातों से, अपनी ऐसा लग रहा है कि उसके म्यूजिक से ही, यहाँ उसके म्यूजिक से होता था, तो वही वो म्यूज़िक को कंपेयर कर रहे हैं उसकी बातों से, कि उसकी बातों ने पूरे शहर हमारे आँख को सामने लाके खड़ा कर दिया है. सेबेस्टियन ही हैथ रेज द वॉल एंड हाउसेस टू. हाँ, उसने तो घर बिल्डिंग सब कुछ को रेज कर दिया है. एंटोनियो व्हाट इम्पॉसिबल मैटर विल ही मेक इजी नेक्स्ट. अब वो क्या बोलेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है. सेबेस्टियन आई थिंक ही विल कैरी दिस आइलैंड होम इन हिज पॉकेट एंड गिव इट हिज सन फॉर एन एप्पल. वो इसको मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ना वो पूरे जो आइलैंड को ना अपने पॉकेट में ले जाएगा और अपने बेटे को एप्पल समझ के दे देगा. मतलब ये लोग इतना मजाक उड़ा रहे हैं उसका, गोंजालो का. एंटोनियो एंड सोइंग द कर्नल्स ऑफ इट इन द सी ब्रिंग फोर्थ मोर आइलैंड्स. और उसकी जो ना, उसकी जो दाना होता है ना, बीज होता है ना, सब बीज को जो खाएगा फेंकेगा और आइलैंड से पैदा होगा. मजाक उड़ा रहा है गोंजालो, तुम लोग कुछ भी बोलते हो. एंटोनियो व्हाई इन गुड टाइम. क्यों अच्छे वक्त में, टाइम के बारे में, अब टाइम बताओ क्या हो रहा है हमें. गोंजालो अब कहता है अलोंजो को, सर वी वर टॉकिंग अबाउट दैट आवर गारमेंट सीम नाउ एज फ्रेश एज व्हेन वी वर एट ट्यूनिस एट द मैरिज ऑफ योर डॉटर हु इज़ नाउ क्वीन. तो अब वो बता रहा है अलोंजो को कि हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे गारमेंट्स वैसे ही चमकदार है जैसे कि शादी में थी आपकी बेटी की. एंटोनियो एंड द रेयरेस्ट दैट एवर कम देयर केम देयर. हाँ, जो रेयरेस्ट जो चीज़ भी हुआ था वो भी बताओ. एंटोनियो ओ विडो डीडो ए विडो डीडो. सेबेस्टियन बेट आई बिसीज यू विडो डीडो प्लीज़ डोंट मेंशन विडो डीडो के बारे में. तो एंटोनियो कहता है ओ विडो डीडो ए विडो डीडो, फिर वो विडो डीडो के बारे में बात कर रहा है. गोंजालो इज नॉट सर माई डबलेट एज फ्रेश एज द फर्स्ट डे आई वोर इट आई मीन इन अ सॉर्ट. वो कह रहे कि आपको नहीं लगता कि वैसे ही है चमक रहा है, मतलब इन अ वे ऑफ कि मेरा जो डबलेट यानी कि मैं जो होता ना क्लोक टाइप का काफ़ी बड़ा सा, तो वो आपको नहीं लग रहा फ्रेश है. एंटोनियो दैट सॉर्ट वॉज वेल फिश्ड फॉर. हाँ, तुम जो बात कह रहे हो ना वो हम लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग इस चीज़ को और ज़्यादा हम लोग इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं. गोंजालो व्हेन आई वोर इट एट योर डॉटर्स मैरिज, जब हम आपकी बेटी की शादी में पहना था. और अलोंजो, आप अलोंजो बोलता है यू क्रैम दीज वर्ड्स इनटू माय ईयर अगेन द स्टमक ऑफ माय सेंस. तुम ना अपनी बातों को ना ज़बरदस्ती मेरे कान में घुसा रहे हो, ठीक है, और मेरे जो स्टमक ऑफ माई सेंस यानी कि जितना मेरा जो भूख है ना उससे ज़्यादा तो मुझे खिलाने की कोशिश कर रहे, ताकि मुझे बदहजमी हो जाए, मुझे हजम नहीं हो रही थी इतनी सारी बातें तुम्हारी. वट आई हैड नेवर मैरिड माई डॉटर दे, काश मैं अपनी बेटी की शादी कराता ही नहीं वहाँ पे. फॉर कमिंग देंस माई सन इज लॉस्ट, वहाँ से आने के बाद ना मेरा बेटा खो गया. एंड इन माई रेट शी टू, और मेरे हिसाब से तो वो भी खो गई है मेरे हिसाब से तो. Whose is so far from Italy removed, I never again shall see her. और मैंने उसे इतनी दूर भेज दिया ना इटली से, क्या मुझे पता नहीं कि मैं उसे दोबारा देख पाऊँगा अभी या नहीं. Oh, thou mine here of Naples and of Milan, what strange fish had made his meal on thee. वो कह रहा है कि मेरे जो हेयर है ना नेपल्स और मिलान के,
ओ वो लोग कहाँ चले गए, दोनों उसके हेयर हुए ना, लीगल हेयर। यहाँ पे वो नेपल्स तो कह रहे हैं, वो समझ में आ रहा है, पर वो मिलान क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मिलान भी तो ऑलरेडी उसके अंडर में आ गया है ना एंटोनियो की वजह से। तो वही वो कह रहा है कि हेयर मेरे जाने के बाद अब जो मिलान किसके अंडर में रहेगा, उसी के अंडर में रहेगा, फर्डिनेंड के अंडर में, फ्रांसिस्को। सर ही मे लिव, आई सॉ हिम बीट द सर्जेस अंडर हिम। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, सर्जेस हियर मींस अ लार्ज सी वेव्स। मैंने उसे देखा है जिंदा, वो जो बहुत सारी जो लहरें थी ना, उसे वो अपने हाथों से वो मार, मतलब उसके लड़ रहा था वो। एंड राइड अपॉन द बैक्स ही ट्रॉड द वाटर हुज एनमिटी ही फ्लंग असाइड। सारी पानी को ना अपने हाथों से फेंक रहा था, कुचल रहा था ऐसा लग रहा था, और सबको एक तरफ हटा रहा था और वो पानी के बीचों से जा रहा था। एंड ब्रेस्टेड द सर्ज मोस्ट स्वेलिन दैट मेट हिम हिज बोल्ड हेड बोव द कंटेंशियस वेव्स ही केप्ट। कॉन्टेंशियस हियर मीन्स कॉजिंग कॉन्ट्रोवर्सी। वो जो बहुत सारी जो वेव्स उसके साथ साथ आ रही थी ना, वो सबको हटा के अपने किनारे की तरफ जा रहा था। एंड ओड ओवर द हिमसेल्फ विद हिज गुड आर्म्स इन लस्टी स्ट्रोक टू द शोर दैट ओवर हिज वेव वोन बेसिस बाउड एज स्टूपिंग टू रिलीव हिम। आई नो डाउट ही केम अ लाइफ टू लैंड। और वो एक दिखाता है एक क्लिफ को और कहता है कि देखिए कैसा रस्ट हो गया सी के पानी की वजह से। तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि ये मौजूद है यहाँ पे फर्डिनेंड और वो ज़िंदा है। अलोंसो नो नो ही इज़ गॉन, नहीं नहीं वो जा चुका है, तो मुझे बेकार की तसल्ली मत दो। सेबेस्टियन सर यू मे थैंक योर सेल्फ फॉर हिज ग्रेट लॉस That would not bless our Europe with your daughter, but rather lose her to an African. नहीं नहीं आपको तो सेबेस्टियन बोलता, आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो थैंक्स करना चाहिए अपने ग्रेट लॉस से, आपको सीख मिली कि आपकी जो बेटी है वो एक यूरोप में नहीं, वो अफ्रीका चली गई है। वे शी एट लीस्ट इज बैनिश्ड फ्रॉम योर आई, जहाँ कम से कम वो आपकी आँखों से तो दूर है। हु हैथ कॉज टू वेट द ग्रीफ ऑन, और उसके पास कोई रीज़न नहीं है रोने का, ग्रीफ करने का, जैसे आप अभी रो रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। Alonso, प्रीति पीस प्लीज़ शांति दो मुझे, इतना ज़्यादा मत बोलो। Sebastian, यू वर नील्ड एंड importuned अदरवाइज बाई ऑल ऑफ अस एंड द फेयर सोल herself, वेट बिटवीन loathness एंड obedience एट which एंड ओवर the beam should bow, वी हैव lost योर son। यहाँ पे वो बता रहा है कि वेट बिटवीन loathness एंड obedience, यानी कि वो बता रहा है कि कैसे आपकी बेटी दो सिचुएशन में आके फंस जाती, कि उसे अपने फादर को ओबीडियंस करना है या अपने मैरिज को ठुकराना है। तो अच्छा बंदा अपने, अगर वो इटली में होती तो वो सब कुछ छोड़ के आ जाती अपने फादर के पास, तो उसके मैरिज, उसको उसका मैरिज लाइफ में उसे प्रॉब्लम होता, और यहाँ वो अपने फादर को भी नहीं छोड़ सकती थी, तो इस सिचुएशन में वो प्रॉब्लम में होती, पर अभी वो दूर है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव लॉस्ट योर सन, हम लोग आपके बेटी को खोएं। आई फेयर फॉर एवर मिलान एंड नेपल्स हैव मोर विडोज इन देम ऑफ देयर बिजनेस मेकिंग देन वी ब्रिंग मैन टू कम्फर्ट देम, द फॉल्ट इज़ योर ओन। वो कह रहे हैं कि आपके साथ साथ जो और भी जो फ्लीट थी जो सब डूब गई है शिप, वो बता रहा है कि और भी विडो होगी वहाँ पे, जो जिसके हस्बैंड लोग गए होंगे वो सब तो विडो हो गई, किसी के हस्बैंड तो लॉस के नहीं आए, तो हम लोग तो ज़्यादा मैन हम लोग ले के नहीं जा रहे, हम लोग तो बहुत कम मैन लेके जा रहे हैं। तो इसके इसका मतलब ये है कि वहाँ पे और भी लोग जो है वो ना मिलान में वो विधवा हो गई हैं हमारे वजह से। Alonso, सो इज़ द डियरेस्ट ओवर द लॉस। Alonso अब और ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। Gonzalo, माई लॉर्ड Sebastian, द ट्रूथ यू स्पीक डॉट लैक सम जेंटलनेस। अब Gonzalo यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसा बात कह दिया कि जिससे Alonso और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया, तो वो यहाँ पे वो कंफर्ट देने के, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे जो बात में जो सच्चाई है उसमें कुछ जेंटलनेस नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। एंड टाइम टू स्पीक इट इन यू रब द सोर वेन यू शुड ब्रिंग द प्लास्टर। और तुम ऐसे वक्त में तुम उन्हें बता रहे हो जब तुम जख्म को और बढ़ा दे रहे हो और कुरेद रहे हो, जबकि तुम्हें उसके ऊपर मरहम लगाना चाहिए, प्लास्टर मीन्स मरहम लगाना चाहिए। Sebastian, वेरी वेल, बहुत अच्छा। Antonio, एंड मोस्ट चिरंगेली, ठीक है, लाइक अ सर्जन, सर्जन की तरह प्लास्टर लगाएंगे, जो बात है सच है हम वही बोल रहे हैं। Gonzalo, अब वो Alonso को कहता है, इट इज़ अ फाउल वेदर इन अस ऑल, गुड सर व्हेन यू आर क्लाउडी। अब वो यहाँ पे फिर दूसरी बात से कंफर्ट कर रहा है कि देखिए कितना फाउल वेदर है, क्लाउडी लग रहा है यहाँ पे, तो Sebastian फाउल वेदर को
फाउल वेदर एंटोनियो, वेरी फाउल. अब यहाँ पे वो फाउल इसलिए बार बार बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे वो लोग गोंजालो को फूल कह रहे हैं, तो फाउल और फूल में यहाँ लोग एक कंपैरिजन दिखा रहा है. गोंजालो टू अलोंजो, हैड आई प्लांटेशन ऑफ दिस आइल माय लॉर्ड. क्या हम यहाँ पे प्लांटेशन, यहाँ तभी होता था ना जब हम लोग यहाँ पे लोग बसते, तो यहाँ पर वो लोग बता रहे कि क्या हम लोग भी यहाँ पे कॉलोनाइज कर ले, खुद को बसाने लगे, यहाँ प्लांटेशन करें. एंटोनियो ही हैड सोड विथ नेटल सीड. अब वो यहाँ पे फिर उसका मजाक उड़ा रहे कि नेटल स्टिंग के साथ तुम यहाँ पर ही अपने प्लांटेशन करना. सेबेस्टियन और डॉग्स और मैलोज, तो वो यहाँ पे वही बोल रहा है कि डॉग्स के साथ या मैलोज के साथ. गोंजालो गोंजालो एंड वो द किंग ऑन इट, व्हाट वुड आई डू. गोंजालो अगर हम यहाँ के किंग होते पता है हम क्या करते. सेबेस्टियन स्केप बींग ड्रंक फॉर वॉन्ट ऑफ वाइन. अब यहाँ पे तो असर था कि बिना लोग जो है ना बिना शराब के ही भागने लगेंगे यहाँ पे. गोंजालो आई हैव द कॉमन वेल्थ आई वुड बाई कॉन्ट्रारीज. कॉन्ट्रारीज हियर मीन स्टूडेंट्स प्लीज नोट क्वाइट अदरवाइज, मतलब अदरवाइज मैं बता रहा हूँ कि एग्जीक्यूट ऑल थिंग्स फॉर नो काइंड ऑफ ट्रैफिक. कोई भी ट्रैफिक प्लीज नोट ट्रैफिक हियर मीन्स कॉमर्स, कोई तरह का कॉमर्स नहीं होगा. Would I admit no name of magistrate, कोई जज नहीं होंगे. Letters, students please note, letters here means literature, academics, education, कुछ नहीं होगा यहाँ पे. Should not be known. Riches, poverty and use of service मतलब servants रखना, कुछ भी नहीं होगा. None, contract, session, bound, bond and bound of land. यानी कि ज़मीन जो खरीदते हैं ना वो सब भी नहीं होगा. तिल्त वाइन यार्ड कुछ नहीं होगा. नो यूज़ ऑफ मेटल कॉर्न और वाइन, जिसकी वजह से भी झगड़ा होता है कुछ नहीं होगा. और ऑयल, ये सब की वजह से ना प्रॉब्लम होता है यहाँ पे. किसी को मेटल ज़्यादा है तो उसको मेटल के बदले ऑयल चाहिए तो झमेला हो रहा है. ऑयल के बदले किसी को वाइन चाहिए. नो ऑक्यूपेशन, कोई लोग काम काज नहीं करेंगे. ऑल मैन आइडल, सब लोग आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे. ऑल वुमेन टू एंड वुमेन भी बट इनोसेंट एंड प्योर. यहाँ पर कह रहे हैं कि मतलब आइडल बैठेंगे तो यानी कि ऐसा नहीं है कि वो लोग गलत चीज़ों की तरफ जाएंगे, पर इनोसेंट और प्योर होंगे. नो सॉवरेंटी, स्टूडेंट्स प्लीज नोट, सॉवरेंटी हियर मीन्स गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल. यानी कि एकदम स्वतंत्र देश होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब कितना अच्छा इनका देखिए सोच देखिए हैं यहाँ पे. तो सेबेस्टियन येट ही वुड बी किंग ऑन इट, हाँ सही बात है, तुम ही यहाँ के राजा बनोगे. एंटोनियो द लैटर एंड ऑफ हिज कॉमनवेल्थ फॉरगेट्स द बिगिनिंग, और जो एंड होगा ना वो ही सब उसका. गोंजालो ऑल थिंग्स इन कॉमन नेचर शुड प्रोड्यूस विदाउट स्वेट और एंडेवियर. स्टूडेंट्स प्लीज नोट एंडेवियर हियर मीन्स अर्नेस्ट एबिलिटी. यहाँ पे गोंजालो कह रहे हैं कि हर चीज़ बहुत ही कॉमन होगी, लोग बिना ही किसी अपने पसीने बहाए, बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, हर कुछ जो नेचर उनको दे सकता है वो उससे वो खुश रहेंगे. ट्रीजन फेलनी, स्टूडेंट्स प्लीज नोट ट्रीजन हियर मीन्स डिसलॉयल्टी टुवर्ड्स गवर्नमेंट एंड फेलनी हियर मीन्स अ सीरियस क्राइम. यानी कि ये सब चीज़ें नहीं होंगी, जैसे कि डिसलॉयल्टी नहीं होंगी, देशद्रोह कोई नहीं होगा, कोई क्राइम नहीं करेंगे लोग. स्वॉर्ड पाइक नाइफ गन और नीड ऑफ एनी इंजन. इंजन हियर मीन्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर. ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होंगी जो वॉर में लगती हैं या लोग जब झगड़ा करते हैं तब यूज़ करते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ मेरे देश में नहीं होंगी. वुड आई नॉट हैव बट नेचर शुड ब्रिंग फोर्थ, बट नेचर शुड ब्रिंग फोर्थ ऑफ इट्स ओन काइंड ऑल पॉइजन. नेचर अपने साथ सब कुछ लेकर आएगा. ऑल अबैंडन्स टू फीड माय इनोसेंट पीपल, मेरे जो मासूम लोग होंगे ना वही सब कुछ जो नेचर जो उनको प्रोवाइड करेगा, जो वो कल्टिवेट करेंगे, वो उसी चीज़ों से वो खुश रहेंगे और अपना गुजारा करेंगे. सेबेस्टियन नो मैरिंग अमंग हिज सब्जेक्ट्स, वो सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारे लोग आपस में शादी नहीं करेंगे. एंटोनियो नन मैन ऑल आइडल्स वॉर्स एंड नेव्स. यहाँ पे वो वर्ड्स और नेस इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो गलत सेंस में बता रहे हैं कि यहाँ पे लोग जो है ना ज़्यादा प्रोस्टिट्यूशंस में ज़्यादा होंगे क्योंकि शादी नहीं करेंगे लोग. तो गोंजालो क्या कहता है, आई वुड विथ सच परफेक्शन गवर्न सर टू
इट विल एक्सेल द गोल्डन एज. मैं इतनी अच्छी तरीके से अपने देश को चलाऊंगा कि, क्योंकि हर देश का एक गोल्डन एज होता है. जैसे हमारे देश का है चंद्रगुप्त मौर्य जब थे तो हमारे देश का वो गोल्डन एज था. हमारे देश में सब कुछ सारी संस्कृतियाँ जो है ना हमारी मतलब टॉप में थी. तो वो कह रहे हैं कि उस टाइम में जब मिलान में या यूरोपियन कंट्रीज में जो एक्स गोल्डन एज था वो उनको भी वो क्रॉस कर देंगे. वो इतनी मतलब खूबी से अपनी देश को चलाएंगे. सेबेस्टियन सेव हिज मैजेस्टी गॉड प्लीज सेव हिज मैजेस्टी. मतलब वो तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि आपको ऐसा चीज़ वो कर रहा है. एंटोनियो लॉन्ग लिव गोंजालो. हाँ हाँ तुम बहुत देर बहुत जिंदा रहना और ये जो तुम्हारे सब प्लान्स हैं ना इनको तुम पूरा करना. गोंजालो एंड डू यू मार्क मी सर. क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं. एलोंजो प्रीति नो मोर दाउ डॉट्स टॉकिंग नथिंग टू मी. प्लीज़ कुछ ज़्यादा मत बोलो मुझसे. मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है. गोंजालो आई डू वेल बिलीव योर हाइनेस एंड डिड इट टू मिनिस्टर ओकेजन. स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट मिनिस्टर ओकेजन मीन्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी. मुझे बोलने का मौका दीजिए. टू दीज जेंटलमैन हु आर ऑफ सच सेंसिबल एंड लिम्बल लंग्स दैट दे ऑलवेज यूज टू लाफ एट नथिंग. स्टूडेंट्स सेंसिबल हियर मीन्स सेंसिटिव. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मुझे बोलने का मौका दीजिए क्योंकि यहाँ पे लोग ना हर बात का सिर्फ हंसते हैं यहाँ सिर्फ मजाक उड़ाते हैं. यहाँ पे कोई मेरी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा है. एंटोनियो इट वॉज यू वी लाफ्ड एट. वो तुम्हारे ऊपर हम लोग हंस रहे हैं. गोंजालो हु इन दिस काइंड ऑफ मैरी फॉलिंग आई एम नथिंग टू यू सो यू मे कंटिन्यू एंड लाफ एट नथिंग स्टिल. क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ और तुम मेरे पास सिर्फ हंसोगे मजाक उड़ाओगे मेरा. एंटोनियो व्हाट अ ब्लो वाज देयर गिवन. क्या तुमने बात कही है मैं क्या बताऊँ तुम्हें. सेबेस्टियन एंड इफ इट हैड नॉट फॉलन फ्लैट लॉन्ग. और ऐसा नहीं लग रहा कि हार्मलेसली हमारे ऊपर गया है. गोंजालो यू आर जेंटलमैन ऑफ ब्रेव मेटल. You would lift the moon out of her sphere if she would continue in it 5 weeks without changing. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप लोग तो इतने ज़्यादा बहादुर हैं इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं ब्रेव हैं कि आप तो मून को भी अगर चेंज चुरा लें या उसको चेंज कर दें अगर वो खुद से अपना शेप ना बदलें. तो यहाँ पे एक तरह का वो उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं और उनका मजाक भी उड़ा रहे हैं गोंजालो. तो स्टूडेंट्स टू सीन वन द रिमेनिंग पार्ट आई शैल कंटिन्यू आई शैल एक्सप्लेन ऑन माई नेक्स्ट वीडियो. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए. आई विल लव टू रिप्लाई अपने क्यूरीज. मैं आप अपने कमेंट्स बॉक्स हमेशा चेक करती हूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.